हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बीटेक में। दोस्तों जो आज आपके लिए टॉपिक लाए वो है स्मार्टफोन के फास्ट चार्जर और जो वायरलेस चार्जर होते हैं उसके बारे में। दोस्तों जो वायरलेस चार्जर है वो आज की डेट में काफ़ी न्यू कॉन्सेप्ट आया है, इनिशियल लेवल में कॉन्सेप्ट। और दोस्तों जो फास्ट चार्जिंग का कॉन्सेप्ट है वो आज की डेट में काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी एडवांस लेवल में है। दोस्तों अगर बात करें जैसे कि वायरलेस के बारे में, तो दोस्तों वायरलेस चार्जिंग आपको काफ़ी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो सॉकेट होता है, कॉइल्स होती है, उसके ऊपर आपके स्मार्टफोन का बैक रखना पड़ता है और ऑटोमेटिकली वो चार्जिंग शुरू हो जाती है। अगर दोस्तों इसके फ्यूचर की बात करें तो इसमें आपको फ्यूचर में ऐसा माना जा रहा है कि आपको लेज़र बीम के थ्रू आपके स्मार्टफोन को चार्जिंग देखने को मिले। दोस्तों अगर आप इसके एडवांटेज की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी बड़ा एडवांटेज देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप अपने स्मार्टफोन को रखे तो आपके स्मार्टफोन ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाता है। अगर दोस्तों फ्यूचर में इसकी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो आपको मतलब कि काफ़ी दूर से आपका स्मार्टफोन चार्ज हो जाएगा और इजीली चार्ज हो जाएगा। अब अगर बात करें इसकी कौन की, तो दोस्तों इसमें आपको टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि दोस्तों टाइम इसमें काफ़ी ज़्यादा लगता है फास्ट चार्जिंग की मतलब कि अगर कंपेयर किया जाए फास्ट चार्जर से। तो क्योंकि दोस्तों अगर आप इसमें अगर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दे सके किसी भी तरह से तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर आप इसको बॉक्स के अंदर दो तो सबसे बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों बॉक्स के अंदर इस टाइप के चार्जर्स आपको देखने को नहीं मिलते। अगर कभी भी बॉक्स के अंदर इस टाइप के चार्जर मिले तो जो स्मार्टफोन का प्राइस होगा वो डेफिनेटली हाई हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको इसको इस टाइप के चार्जर्स को मार्केट से ही खरीदना पड़ेगा। ये भी इसमें एक डिसएडवांटेज के रूप में आप देख सकते हो। दोस्तों अगर आप बात करें फास्ट चार्जर के बारे में, तो दोस्तों आज की डेट में काफ़ी अच्छे फास्ट चार्जर आ रहे हैं, जैसे कि सुपर बुक चार्जर है और उसी के साथ आपको शाओमी का भी एक फास्ट चार्जर देखने को मिलता है 100 वॉट वाला। और दोस्तों जो सुपर बुक चार्जर है वो 50 वॉट का और 35 मिनट्स में आपके स्मार्टफोन को चार्ज कर देता है। और दोस्तों अगर आप बात करें कि जो MI का जो फास्ट चार्जर है, अगर आप उसकी बात करें तो उसमें आपको काफ़ी अच्छे से लगभग 20 या 25 मिनट्स के अंदर आपके स्मार्टफोन को चार्ज कर देगा। और दोस्तों यही काफ़ी बड़ी बात होती है एक फास्ट चार्जर के बारे में। लेकिन दोस्तों अगर आप इसके फ्यूचर के बारे में बात करें जाए, तो अगर आप मान लो ग्रेफिन बैटरी का यूज़ किया जाए तो आपके स्मार्टफोन को सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 10 मिनट्स में आपके स्मार्टफोन को चार्ज कर सकता है। और दोस्तों आने वाले टाइम में इन दो ही टाइप के स्मार्टफोन चार्जर्स के बारे में कंपटीशन रहेगा, जो वायरलेस है और जो नॉन वायरलेस है। तो दोस्तों इस टाइप में आपको काफ़ी बड़ा जो चैलेंज या फिर काफ़ी बड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा मार्केट में। अब दोस्तों बात आपके हाथ में कि आपको किस टाइप की चार्जर्स पसंद है। ज़्यादातर अगर दोस्तों डेवलपमेंट होती रही जो वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर्स है तो वो कभी ना कभी लीड ले ही सकता है, ज़्यादा आगे वो ही जा सकता है, क्योंकि दोस्तों उसमें आपको थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ देखने को मिलेगा। दोस्तों जो फास्ट चार्जिंग के साथ आपको इशू देखने को मिलता है, वो आपको इशू ये देखने को मिलता है कि आपको अपने जो आपका जो पोर्ट है उसके साथ आपके स्मार्टफोन को अटैच रखना पड़ता है। और दोस्तों काफ़ी बड़ी दिक्कत आ जाती है, जैसे कि क्योंकि हर टाइप का पोर्ट आप जैसे कि अगर मान लो USB टाइप सी है या फिर माइक्रो USB है, हर जगह का उनका मिल पाना काफ़ी मुश्किल रहता है। USB टाइप सी का ज़्यादातर चांस होता है कि वो काफ़ी मुश्किल से मिले, क्योंकि दोस्तों बेसिकली जो इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में आपको बजट रेंज या फिर मिड रेंज स्मार्टफोन में आपको इस टाइप के चार्जर्स बहुत कम मिलते हैं। और दोस्तों मार्केट में इसी टाइप के स्मार्टफोन्स बिकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसमें इशू देखने को मिलता है। वो फ्लैश चार्ज, 5 मिनट चार्ज फॉर अनलिमिटेड फन एनी टाइम। Oppo F9, book flash charge, 5 minute charge, 2 hour talk. Oppo, selfie expert and leader. The time runs slow without you. Dance to the beat. Dengan Fook Flash Charge, habiskan sedikit waktu untuk lakukan lebih banyak. Oppo F9, 5 minutes charge, 2 hours talk. Papa, I leave in 5 minutes. Aku rin.
play games. 5 minutes. Can Joshua and Julia get ready?